हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, सुप्रियाज किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम काली हल्दी को कैसे लगाना है वो देखने वाले हैं। अक्सर हम पीली हल्दी को देखते हैं, हमारे किचन में डेली में यूज़ होती है हल्दी, लेकिन वो खाने वाली हल्दी जो होती है वो पीली होती है। ये जो काली हल्दी होती है ये मेडिसिनल यूज़ में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही महत्व है, तो उसी काली हल्दी के बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे और उसे कैसे लगाना है वो सब हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा आम का प्लांट है। इसमें देखिए, ये आम बहुत बड़ा है, ये आधे किलो से भी ऊपर आम है, बहुत हेवी है। देखिए कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये आम हार्वेस्टिंग पर आ चुका है, लेकिन मुझे प्लांट पर बहुत अच्छा दिखता है। जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो प्लांट्स पर फ्रूट्स फ्लावर्स लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए। लेकिन अभी हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा उसे, वरना वो गिर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, अभी देखते हैं हम काली हल्दी कैसे होती है और उसे कैसे लगाना है, उसे मिट्टी कैसी चाहिए, वाटरिंग कैसे करना है, गमला कैसा लेना है और धूप कितनी देनी है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने काली हल्दी रखी है और बाजू में मैंने पीली हल्दी भी रखी है खाने वाली, ताकि आपको डिफरेंस समझ सके दोनों में से। ये देखिए, ये काली हल्दी को ऐसे ब्लू कलर की आती है, जब भी ये काली हल्दी को हम काटते हैं बीच में से तो उसका कलर ब्लू दिखता है। ये देखिए, ये सभी कंद को हमने ज़मीन से निकाला है, तो उसके बाद इसका कलर ऐसा दिखता है, थोड़ा ब्लूइश ब्लैक कलर। ये देखिए, ये देखिए, ये शूट्स भी दिख रहे हैं इसमें, जब हम लगाएंगे तो उसमें से ये प्लांट निकल आएगा। इसको ऐसे लगाना है, ये रूट्स का पोर्शन नीचे में लगाएंगे और ये जो शूट वाला पोर्शन है वो ऊपर साइड में रखेंगे। इस तरह से इसे लगाया जाता है। और ये देखिए, ये जो है ये पोर्शन नीचे जाएगा और ये जो पोर्शन है ये शूट वाला पोर्शन है, इसे ऊपर रखेंगे, यहाँ से शूट निकलेगा। और ये देखिए, ये पीली हल्दी है, ये पीली हल्दी ये येलो कलर में आती है, हमारी खाने वाली हल्दी है ये। तो ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर रखा है, इसे मैं लगाऊंगी नहीं, आपको मैं काली हल्दी लगा कर ही बताने वाली हूँ। और पीली हल्दी को मैं कैसे लगाना है उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी पीली हल्दी भी लगानी है और ये सही वक्त है हल्दी लगाने का। अप्रैल, मई और जून, इनमें से कभी भी हम हल्दी लगा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हल्दी को कैसे लगाना है। तो लगाने के लिए हमें पहले गमला चाहिए होता है, या तो हम ज़मीन में अगर लगाते हैं तो कोई बात नहीं, ज़मीन में तो बहुत सारी जगह होती है, लेकिन गमले में अगर हम लगा रहे हैं तो हमें गमला कम से कम 12 इंच का लेना चाहिए, क्योंकि ये रूट वाली जो भी वेजिटेबल्स होती है रूट वाले, उनको ग्रो करने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, तभी ये अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से उसमें बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 12 इंच का गमला लेना ही चाहिए, उससे बड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप कम से कम 12 इंच का गमला तो ज़रूर ही लें। मैंने यहाँ पर ये गमला लिया है, ये इसमें मैंने मिट्टी पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है, क्योंकि ये हल्दी ज़मीन के अंदर उगती है तो इसलिए हमें मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए और सैंडी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए हमें इसमें 20% सैंड ज़रूर ऐड करनी है। हमने इसमें 50% गार्डन सॉइल ली है, 20% हमने सैंड मिक्स की है और 30% में हमने वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और किचन वेस्ट खाद मिक्स करके डाली है।
और एक मुट्ठी हमें नीम खली डालनी है। वैसे तो ये हल्दी खुद में ही एक फंगिसाइड है, लेकिन फिर भी हम ऐड करते हैं। ये कटा हुआ पोर्शन नीचे के साइड में रखेंगे और ये जो है ये शूट्स है इसे हम ऊपर की साइड में रखेंगे। तो अभी गमले की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, अब बात करते हैं इसे वाटरिंग कैसे करना है। तो इसे वाटरिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं। इसका ध्यान रखें कि आप इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। अब बात करते हैं इसे धूप कितनी देनी है। तो धूप, ये कम धूप में भी चलने वाला प्लांट है, जिनके घर में बहुत ही कम धूप आती है वो भी इसे लगा सकते हैं, और जिनके यहाँ ज़्यादा धूप आती है वो तो ज़रूर लगा सकते हैं। इसे अगर आप 5-6 घंटे की धूप देते हो तो इसकी गांठें अच्छे से बनती है, और ये क्रॉप 10 महीने की है, यानी कि आपने एक बार इसमें हल्दी लगा दी तो आपका गमला 10 महीने के लिए एंगेज हो चुका, ऐसा समझकर ही आपने गमला इन्वेस्ट करना है। इस हल्दी के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, मैं कभी इस पर बात करूंगी। इस वीडियो में तो वो सब नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब हमारी ये हल्दी भी लगानी हो चुकी है, और देखिए हम इसे अच्छे से पानी देंगे गमला भर के। पहले दिन में पूरी तरह से मिट्टी को गीला करना है, अच्छे से पानी देना है। ये देखिए ये 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, अभी इसमें शूट्स निकल कर आ चुके हैं। इसे शूट्स आने में बहुत टाइम लगता है। देखिए ये इस हल्दी का शूट्स थोड़े ब्लैकिश कलर में आते हैं, मैं आपको आगे चल के डिफरेंस भी बताऊंगी इसके लीव्स में और पीली हल्दी के लीव्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए ये अभी इसके लीव्स थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं लीव्स के बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रहे हैं आप, ये देखिए ये काली हल्दी के लीव्स में ये इस तरह से ब्राउन कलर की कुछ लाइन होती है, यही इसकी पहचान है कि ये काली हल्दी है या फिर पीली हल्दी है। मैं आपको पीली हल्दी के भी लीव्स दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ज़मीन में लगाई है काली हल्दी, देखिए इसके भी शूट्स निकल कर आ चुके हैं। ये मैंने ज़मीन में लगाई है, अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप ज़मीन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़मीन में हल्दी के जो गांठें होती है वो बहुत अच्छे से फैलती है और बहुत सारी यील्ड मिलती है हमें। मैं आपको पीली हल्दी के भी शूट्स दिखा देती हूँ, मैंने कुछ पीली हल्दी खाने वाली जो हल्दी होती है वो भी लगाई है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर हमने ये पीली हल्दी लगाई है, और देखिए इसकी शूट्स, देखिए ये ग्रीन और येलोइश ग्रीन होते हैं, जबकि काली हल्दी के ब्लैकिश ग्रीन होते हैं, और ये पीली हल्दी के लीव्स है इसके बीच में जो लाइन होती है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, देखिए। और इसकी देखिए ये काली हल्दी की, ये देखिए अभी हमारा ये काली हल्दी का प्लांट भी अभी बढ़ रहा है। तो देखिए इसकी लीव्स, देखिए इसके बीच में ये जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और हल्दी से लेकर जो भी क्वायरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।